ओके सो गाइस, वेरी हैप्पी संडे। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करते हैं एक्सेल में आप किस तरह से डायनामिक चार्ट्स बना सकते हैं विदाउट एनी वीबीए। तो फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करूँगा ये मैं। तो देखिए, बेसिकली हमें करना क्या है कि हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और उस ड्रॉप डाउन में मंथली का टोटल शो करेंगे। और ड्रॉप डाउन में अगर मंथली है तो चार्ट जो है वो मंथली डेटा देगा, विच मीन्स कि उसका प्लान, हमारा प्लान होगा कि मंथली जैन फेब मार्च का डेटा दे, अलग अलग उसके स्लैब्स बना के, अलग अलग उसका तीन उसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे तो कॉलम्स बना के देते। और अगर ड्रॉप डाउन में टोटल आता है तो फिर टोटल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं चूज कैटेगरी, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑल डी एल शॉर्ट पिट की लिस्ट, ये सब तो आपको पता ही होगा, ऑफिस ही बात है, इतना आप जानते ही होंगे बिकॉज़ ये तो बहुत बेसिक है। और नहीं तो आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, बहुत वीडियोस है हमारे पास, कम से कम 11-12 टॉपिक्स की पाइथन, पावर बी आई, पावर क्वेरी, एम कोड, एक्सेल, वीबीए, एक्सेस, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आई थिंक 1100 वीडियोस हैं। ओके सो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मिस कर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप आइडिया घर लेके जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस आइडिया से आप और बढ़िया चीज़ें कर सकें। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, जनरली क्या है कि अगर मैं कोई भी चार्ट बनाऊंगा, सबसे पहले आप समझें बात को। अब जैसे अगर हमने इसमें चार्ट बना दिया तो इसमें दिक्कत यह है कि इसमें टोटल भी आ जाएगा आपका, राइट। टोटल हमें अलग चाहिए, ये दिक्कत है, राइट। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही डेटा लिया चार्ट का तो फिर टोटल कहाँ जाएगा, बात समझ रहे हो, है ना। क्योंकि चार्ट एक ही बनाना है लेकिन चीजें दो कवर करनी है, ये मुद्दा है, ठीक है। हो सकता है आपके पास इसके इससे अच्छा तरीका भी हो, ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। मैं जो इस टाइम प्लान करने की सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि हम लोग सिंपल एक यहाँ पे इफ फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। तो इफ फंक्शन सबसे पहले ये जो वैल्यूज है ये उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। या आप इसको लिंक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है ऊपर चीजें चेंज हो सकती हैं, तो पेज स्पेशल में जाके अब इसको लिंक कर लीजिए। तो अगर यहाँ कुछ भी चेंज होगा तो नीचे भी चेंज हो जाएगा, इसका ये फायदा होगा, ठीक है। अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मुझे इफ कंडीशन लगानी है और इफ कंडीशन में मुझे ये कहना है कि अगर यहाँ पे मंथली है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मंथली है, ये तो नॉर्मल इफ फंक्शन है, आप दोबारा वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। और अगर ये मंथली नहीं है तो मुझे फिर ये टोटल चाहिए होगा यहाँ पे, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। पर पहले मैं सिर्फ मंथली रखता हूँ और बाकी चीज़ों को प्लान कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अब समझने के लिए इसको चेंज कर देते हैं मंथली में, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्योंकि जे टू कंपेयर हो रहा है तो जे टू जो है वो सबसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए फ्रीज हो जाना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके रख लेता हूँ, ठीक है। और नीचे भी ले जाते हैं, आई थिंक यहाँ तक आपका सेट हो जाएगा काम। ये देखिए, तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये जो तीनों वैल्यूज आपके पास आई हैं, अब ये हमारी मंथली डेटा पे चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल, राइट, तो हमें टोटल में ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेल है यहाँ पे टोटल आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ टोटल लिख लेता हूँ, हेडर आपको जो देना आप दीजिए, ठीक है ना। अब मैं टोटल लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसको लिंक कर दूंगा सेल से, बिकॉज इससे मुझे नीचे इसको ट्रैक करने में ईजी होगा, क्योंकि नीचे ट्रैक करते हुए सारी वैल्यूज खुद ब खुद आ जाएंगी, राइट। अब क्योंकि टोटल के लिए ये सब तो नहीं चाहिए, ब्लैंक ही चाहिए, तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट इस तरह से ड्रैग नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज से छोड़ दूंगा, क्या कहते हो, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ओके। अब देखिए, अगर हमारा डेटा सही है तो चार्ट बिल्कुल सही आएगा ही आएगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्यों। अगर डेटा ही गलत है तो फिर चार्ट कुछ नहीं कर सकता है, ये सब आपके हाथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम चार्ट्स बनाते हैं, हर कोई कहता है कि ये चार्ट का डिज़ाइन कर लो, इस चार्ट के फॉर्मेटिंग सेक्शन में जाके ये कलर्स चूज कर लो, टेम्पलेट से ये उठा लो, वो उठा लो, इस तरह का चार्ट बना लो, लाइन चार्ट बना लो, पाई चार्ट बना लो, यू नो दुनिया भर के चार्ट्स हैं, डोनट चार्ट बना लो, ट्री मैप बना लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे पहले चार्ट से पहले बनाने से पहले समझनी है कि चार्ट डेटा मांगता है, और वो डेटा अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है,
ठीक है। अब इस केस में अगर मैं ये चार्ट इस तरह से बनाऊं तो मेरा डेटा सही आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो डेटा था ये तो स्टैटिक रह गया, ठीक है ना। तो हमारा वो जो इश्यू था कि भाई हम एट ए टाइम दोनों को कैसे अलग अलग यूज करें, वो हमारा इस डेटा ने काम पूरा कर दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बार जरा चार्ट बना के देखें जरा इसका। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस चार्ट, आप कोई भी चूज कर लीजिए, लेट्स सी दैट। तो ये हमारा चार्ट बन गया और इसका टाइटल मैं दे देता हूँ, लेट्स से सेल्स, ठीक है सेल्स। तो ये चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, जस्ट लेट मी चेंज द फॉर्मेटिंग एज वेल। तो ये चार्ट बन गया आपका, ठीक है। ओके, अब देखना ये है कि अगर मैं इसको मंथली से टोटल चेंज करता हूँ तो क्या ये चार्ट जो है आपका चेंज होगा कि नहीं। और ये देखिए ये चार्ट आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब हमने जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो गया। ग्रे लाइन्स हम हटा लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मंथली चार्ट भी, अब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, हमारे मंथली चार्ट आ रहे हैं और हमारा टोटल भी आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी चेंज होती है तो ऑब्वियसली वो नीचे भी जाके चेंज होगी। जैसे अगर मैं इसको 33 या ये कर दूँ, ये देखिए ये वैल्यू चेंज होगी बिकॉज ये टोटल फॉर्मूला लगा हुआ है और ये वैल्यू यहाँ पे उठ रही है, राइट। तो ऑब्वियसली हम जब चार्ट बनाएंगे तो हमें यूजर को ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसको हम अपने ही लेवल पे कहीं पे और रखेंगे, लेकिन जो मेन चार्ट है वो इस तरह से आपका ड्रॉप डाउन के बेस पे चलता जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम आएगा, वो ये है कि क्योंकि आपका हेडर एक है तो चार्ट जो बना हुआ है वो मंथली से उसको रिलेट कर रहा है। तो जो मंथली में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तीन स्लैब आ जाते हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट लेजेंड्स आ जाते हैं, राइट। और आपको पता है कि चार्ट में ये सब तो होना ही चाहिए, बिकॉज अगर इसके बेस पे कलर डिसाइड नहीं होगा तो फिर पता कैसे लगेगा किस मंथ का क्या सेल है। लेकिन टोटल में जाते हुए क्या होता है, ये टोटल तो आ जाता है बट ये दो चीज़ें छोटी सी हैं, ये परेशान करती हैं। हो सकता है आप बोल रहे हो कि सर कोई चक्कर नहीं है, इतना हमने कर लिया, ये काफ़ी बढ़िया है, इसमें इतना कोई ध्यान नहीं देगा, और देगा भी तो ठीक है, हम एक अपडेट डाल देंगे कि टोटल के केस में जस्ट रेफर टू द टोटल लेजेंड, यू नो। पर फिर मुझे लगता है कि इससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। मतलब चार्ट एक फ्लॉलेस होना चाहिए, जो फ्लॉलेस बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चले और उसमें कोई भी गुंजाइश ना हो कि कोई आपकी तरफ फिंगर पिन पॉइंट करेगी और कहे कि इसमें शायद ये चीज़ तुमने ठीक नहीं की है, राइट। तो इसका इलाज क्या है? देखिए इसका इलाज जो मैंने समझा है कि हम इसको, बिकॉज इसको डायनामिक करना, ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अगर आप चार्ट में जाओ सबसे पहले, अभी देखो अगर आप सिलेक्ट डेटा में जाओगे तो ये इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो जो दो ब्लैंक हेडर्स है ना, ये देखिए ये ब्लैंक है। तो जब आप इसके एडिट मोड में जाते हो तो इसके एडिट मोड में ये आपको पता लगता है यहाँ से ये। तो अब मैं ये रेंज तो हटा नहीं सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि इसको सिलेक्ट करो रिमूव कर दो, इसको सिलेक्ट करो रिमूव कर दो, बिकॉज ये चीज़ नेक्स्ट मंथली वाले चार्ट में भी तो यूज़ हो रही है, इजंट इट। तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर कोई चीज़ ब्लैंक मिल रही है तो वो लेजेंड को जो ना इस तरीके से कोशिश करेगा करने की, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ये कर सकते हैं, जो हम प्लान कर सकते हैं कि आप दो इमेजेस बनाइए अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि हमारे पास दो ड्रॉप डाउन है तो मैं दो ही रखूंगा। अगर आपके पास ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे आप कहते हो कि मंथली है, टोटल है, क्वार्टरली है, यू नो कुछ भी है, तो ऑब्वियसली आपको उतनी इमेजेस रखनी होंगी और डेटा को भी इस हिसाब से सेटल करना होगा। ये बहुत इजी है और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे दो इमेजेस चाहिए जो मैं लेजेंड्स को डिलीट करके उनके ऊपर उनको पेस्ट कर दूँ बड़े ही स्मार्टली, और यूजर को लगे कि यार ये तो लेजेंड चेंज हो रहे हैं, राइट। तो जैसे एक टोटल का, अगर ये टोटल है फॉर एग्जाम्पल, ये टोटल है, तो आप गूगल से बहुत सारी इमेजेस हैं, आप किसी भी तरीके की इमेज उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर यही पर्टिकुलर इमेज मुझे उठानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पर्टिकुलर इमेज उठानी है, तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं एमएस पेंट में जाके, है ना, इमेज आप कोई भी उठाएं, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ इसको कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरे मतलब का है बेसिकली वो है टोटल, राइट। तो क्योंकि अब मैं यहाँ से इमेज उठा रहा हूँ तो क्लैरिटी हो सकता है उसकी इतनी बढ़िया ना हो, जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा ये स्कैटर्ड हो रहा है, बट वो जैसे मैंने बोला कि आप इमेज इधर उधर से भी उठा सकते हो, ठीक है। मेरा प्लान ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ये टोटल उठाना है, ये ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ और एक और पेंट, एमएस पेंट ब्रश में ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई बढ़िया सी
इमेज भी गूगल पे जाके ले सकते हैं, ठीक है, सीधा बोले। मैं इसको सेव करता हूँ पीएनजी में, और मैं इसको अपने डाउनलोड में ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ टोटल, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई है तो ऑब्वियसली इससे मिलती जुलती इमेज ही उठाऊंगा दूसरे भी, ताकि इफेक्ट बढ़िया आए। तो ये जो इमेज है मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ, और हम अब दोबारा से चलते हैं एक बार पेंट ब्रश में, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ ये, ठीक है, और ये पहली वाली इमेज हम, या इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, ठीक है। सो पेंट ब्रश चार्ट पूरा ही कॉपी होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि भाई वो डेटा जो है मेरा, जो मुझे चाहिए, इसको बढ़ाने से फायदा नहीं है, इसको मैं यहाँ से ऐसे कट करके, ठीक है, ये कट करके एमएस पेंट में चलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं इस पर 15-20 मिनट लगाता और देखता कि और गूगल में कोई इससे बढ़िया ऐसी इमेज मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये है अभी कि ये मेरी कार मेरी चार्ट की थीम के साथ बिल्कुल मैच करेगा, मेरा टाइम बचेगा, ये है ना, बिकॉज वहीं से कलर निकल के आ रहे हैं। फर्क ये है कि अब हम इनको पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो वहाँ पे जो है वो लेजेंड्स हैं। सो मैं इसको मंथली कर देता हूँ, मंथली, ठीक है। सो दो इमेजेस जो है हमारी वो क्रिएट होगी, और उनको हम एक्सेल में एक बार लेके आ जाते हैं। तो चलिए चलें इंसर्ट में, और यहाँ से पिक्चर्स दिस डिवाइस, ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी दोनों इमेजेस जो हैं ये एक्चुअल में यहाँ पे आके, सो इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, और इसको भी उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह, इस तरीके से थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट को आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पीछे यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा हाइट इसका छोटा करता हूँ, एंड या अगर मैं विड्थ बढ़ाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, तो इसको मैं इतना ही रखूँगा, एंड ये इस तरह से आपकी दो इमेजेस बन गई, ठीक है, ओके। सो अब देखिए करना क्या है, ये सब आप यूज़र को नहीं दिखाएंगे, राइट, हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बनाता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, इस सेल में, और दूसरी इमेज को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपके बेसिकली दो सेल हो गए, और बॉर्डर थोड़ा दे देते हैं तो इसके अंदर इनको फिक्स कर देते हैं, ये इसका फिक्स हो गया पिक्चर फॉर्मेट, वो थोड़ा सा हाइट और शॉर्ट करता हूँ, यस, तो ये यहाँ फिट हो गया, और इसको भी सेम हाइट दीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, वैसे तो जनरली सेम हाइट का ही होना चाहिए ताकि वो इफेक्ट अच्छा है। अब देखिए मेरे पास ये दो यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे जानी चाहिए, अगर ऊपर मंथली चार्ट है, और ये टोटल के टाइम पर ये वाला हटकर ये वाला चला जाना चाहिए, यही हमें करना है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसको करना कैसे, मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जनरली ये कोई नॉर्मल डेटा तो है नहीं कि जैसे आपने बोला कि भाई आइटम्स हैं, शुगर है, तो भाई मुझे शुगर का जैन सेल चाहिए, आपने बोला ठीक है वीलुकअप लगा लेते हैं, वीलुकअप या इंडेक्स जो भी आपने लगाना है, आपने जैसे ये लगा लिया है ना, क्योंकि आपको पता है ये पिक्चर्स हैं और पिक्चर का लुकअप लगाना है हमें, ठीक है। सो हमारे सामने आपको समझ आया टास्क क्या है, लुकअप पिक्चर, पिक्चर को कैसे लुकअप करेंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो पिक्चर को लुकअप करने के लिए हमारा जो प्लान होगा वही होगा कि सबसे पहले तो जो आपके हेडर्स हैं, जैसे टोटल है तो टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, और दूसरा है मंथली, क्योंकि पिक्चर का लुकअप लगाना है तो टेबल रहेगा, तो यहाँ पे आपकी एक तरीके से लिस्ट बन जाएगी अगर आपके पास और भी इमेजेस हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो सिलेक्टेड है उसको आप यहाँ पे ढूंढोगे, और उसके अगेंस्ट जो भी पिक्चर है वो आप लेके आ जाओगे, वो आप लेके आ जाओगे। लेकिन ये होगा कैसे, बिकॉज आप भी जानते हो कि भाई अगर मैंने यहाँ पे वीलुकअप लगाया इस तरीके से तो ये कोई वैल्यू तो रिटर्न करेगा नहीं, ठीक है ना, इतना ही रखिए आप टेबल, क्योंकि हमारे पास दो ही पिक्चर्स हैं, ये तो जीरो देगा बिकॉज सेल ब्लैंक है आपके, है ना। अगर आप इंडेक्स भी लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको ठीक है मुझे इंडेक्स ये चाहिए,
इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में मुझे चाहिए रो नंबर जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। जैसे यहाँ पे गए और हमने बोला कि हमें टोटल का रो नंबर दे दो इस टेबल में, विच इज़ टू, और कॉलम वन, क्योंकि इंडेक्स में एक ही कॉलम मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यू वन टू क्यू टू, ठीक है, इंडेक्स भी क्या करेगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझें, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूँ कि यही फॉर्मूला चलेगा, तो आप पूछोगे कैसे, बिकॉज ये तो सेल में जाके वैल्यू देगा और वैल्यू वहाँ पे है नहीं, बिकॉज वहाँ पे तो इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पीछे कुछ लिख दूंगी, देखिए मैं लिख रहा हूँ आर 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 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आर आर तो आ जाएगा, राइट, लेकिन पिक्चर कैसे आए, है कि नहीं, पिक्चर कैसे आएगी। तो अब हम यही चीज़ कर रहे हैं, ये जो आपने, ये जो हमने इंडेक्स फंक्शन लगाया है, ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताया है ताकि आपको अगला स्टेप इजीली समझ आ जाए, नहीं तो मैं अगर ये स्टेप हटा देता तो वीडियो भी शॉर्ट बनता, और लेकिन उसे आप सोचते रहते कि वो जो स्टेप था वो किया है, तो वो एक तरह से रट्टा मार रहा है, ऐसा ही होता होगा, समझ रहे हो। ये जो फंक्शन है, अगर हम, ये फंक्शन आपको पता है क्या कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे जो भी यूजर चूज कर रहा है उसका आंसर दे रहा है, राइट, लेकिन ये आंसर दे रहा है सेल में जाके उस जो वैल्यू है, और वैल्यू नहीं है हमारी, लेकिन हमारी इमेजेस है। तो लुकअप अगर इमेजेस के साथ करना है, तो उसके लिए आपको एक चीज ये समझनी होगी कि आप उसको नेम मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, नेम मैनेजर में जब आप जाएंगे, आप सबको नेम मैनेजर आता ही होगा, आई एम श्योर, यहाँ पे आप वो नेम मैनेजर न्यू कीजिए और यहाँ पे वो नेम मैनेजर का नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कर देता हूँ फाइंड पैक, फाइंड पैक, ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला मैं पेस्ट कर दूंगा, ये वाला, ठीक है, जो हमने अभी यूज किया है, ठीक है। F2 करता हूँ, आपको लेफ्ट टू राइट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, तो वही फॉर्मूला है, वही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, वो आप ये समझिए, ये अब नेम मैनेजर बन चुका है, जो टोटल को हमेशा, जो भी यहाँ पे आप चूज करेंगे, उसको हमेशा P2Q में ढूंढेगा, P12Q2 में ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे सिलेक्ट किया, ये हाईलाइट हो गया, बिकॉज यहाँ पे उसका टारगेट है, ठीक है। लेकिन नेम मैनेजर में जाने के बाद अब हमारा जो अगला, जो हमने करना है काम, वो क्या करना है वो समझें आप। आप कोई भी पिक्चर उठा लीजिए, कोई भी, ये या और भी है आपके पास जो भी पिक्चर है, ठीक है, आप कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी कीजिए और उस पिक्चर को कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ कहीं भी, ठीक है। लेट्स, मैं यहाँ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये ठीक है। अब ये वही पिक्चर है जो ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर 10 है और ये क्या है, पिक्चर 11, क्योंकि एक नाम आप दो ऑब्जेक्ट्स को नहीं दे सकते एक जैसे, है ना, तो उसने एक्सेल ने अपने आप उसको पिक्चर 11 कर दिया। सीधा फॉर्मूले बार में जाइए और जो भी आपने नेम मैनेजर क्रिएट किया है, जैसे फाइंड पैक, एंटर मार दीजिए लिख के, ठीक है। आपने जैसे ही एंटर मारा, आप देखिए ये पिक्चर जो है, ये अभी टोटल आ रही है, ठीक है। एनीवेज मैं इसको ऊपर रखता हूँ यहाँ थोड़ा इस तरह, ठीक है, और ये तो हटा देते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला जो है बनाया था। अब आप देखिए ये लुकअप लग रहा है पिक्चर का, ये देखिए, अमेजिंग, समझे आप। तो यहाँ पे मैं जब भी टोटल सिलेक्ट करूंगा इमेज आ जाएगी टोटल, और जब भी मैं यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करूंगा इमेज आ जाएगी मंथली। अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, राइट। अब देखिए इसमें जैसे पिक्चर्स को मैंने बढ़ाया, मैंने अभी थोड़ा सा देखा इसको कि जैसे ये बढ़ाने से पीछे क्या एक्सेल की ग्रिड लाइंस भी आ रही हैं, तो ये ग्रिड लाइंस जो हैं ये हम हटा देते हैं, बिकॉज वो पिक्चर में बिल्कुल सही नहीं लग रही है, तो ये चीज़ मैंने अभी ऑब्जर्व की, तो मैं ग्रिड लाइंस वगैरह हटा दी यहाँ से। अब देखिए ये जो इमेज है उसके वाला जो ग्रिड लाइंस है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पिक्चर का बॉर्डर भी हटा देते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए पिक्चर फॉर्मेट में और पिक्चर का बॉर्डर हटा दीजिए, ठीक है, बिकॉज हमें बॉर्डर से कुछ नहीं लेना देना, ये हमारे पास एक पिक्चर तैयार होगी, ठीक है। सो इस पिक्चर को यहाँ पे आप जहाँ भी आपको मतलब इसको रखना है, आप वहाँ पे रख सकते हैं, और आप एक बार चेंज करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है।